नमस्कार दोस्तों, प्रिपेयर आइस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। वर्तमान सीरीज़ में हम पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर्स के प्री बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स के का डिस्कशन करेंगे। इसमें हमने पिछले सप्ताह के सभी प्रमुख समाचार पत्रों और PIB के आधार पर प्रश्नों का निर्माण किया है। आप इन प्रश्नों का उत्तर इसके डिस्कशन में पा जाएंगे। तो इसको हम प्रारंभ करते हैं। यह 25 तारीख तक के करंट अफेयर्स को इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। तो पहला जो समाचार है वह पहला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन ग्लोबल राइट्स इंडेक्स को लेकर के है। ग्लोबल राइट इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन या इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन, ठीक है। इसका सही उत्तर है इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन। इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन जो है वह ग्लोबल राइट्स इंडेक्स जारी करती है, जो कि इंटरनेशनल वर्कर्स राइट से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों के अधिकारों से संबंधित है। यह कई प्रकार के जो कर्मचारियों यानी कि वर्कर्स के साथ होने वाले व्यवहारों के आधार पर बनाई जाती है, जिसमें उनके कलेक्टिव बार्गेनिंग की पावर को कम करना, स्ट्राइक, जूनियर यूनियन बनाना और यूनियन को ज्वाइन करने की शक्तियों, सरकारों के यूनियन पर स्थापित किए जाने वाले सर्वेलांस और फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन सब को इंक्लूड किया जाता है इसमें, ठीक है। इसमें जो 10 वर्स्ट कंट्रीज़ हैं उनमें से एक इंडिया भी है, यानी कि लीस्ट 10 में इंडिया भी एक देश आपका है। तो लीस्ट 10 कंट्रीज़ में इंडिया को भी रैंक किया गया है, यह महत्वपूर्ण है। यह 144 देशों यानी कि 144 कंट्रीज़ को इंडेक्स कर रहा है, ठीक है। जो बाकी वर्स्ट 10 में है वो बांग्लादेश हैं, ब्राज़ील हैं, कोलम्बिया है, इजिप्ट है, होंडुरस है, कजाकिस्तान है, फिलीपींस है, टर्की है और जिम्बाब्वे है, इसके साथ साथ इंडिया है, ठीक है। तो ये वर्स्ट 10 वर्स्ट कंट्रीज़ में आपका इंडिया भी आता है, इसलिए यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह है कि इन द रिसेंट वर्चुअल मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड US देयर वर टॉक्स रिगार्डिंग India's participation in accelerating CCUS Technologies Act. CCUS Technologies Act में इंडिया और US के बीच में समझौता हुआ है कि इसमें इंडिया का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाएगा। आपको क्वेश्चन यह है कि CCUS Act जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो CCUS Act जो है उसका संबंध मुख्यतः है, चार ऑप्शन आपके जो हैं वो ये हैं, रिड्यूस एमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर पॉल्यूटेंट्स व्हेन फॉसिल फ्यूल्स वर बर्न्ड, जब भी फॉसिल फ्यूल्स जलाए जाएंगे तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसको कम करने के लिए, माइनिंग ऑफ एडवांस्ड क्लीन कोल, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, पॉल्यूशन मिटिगेशन इन कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, ये चार ऑप्शंस हैं। तो आपको ये बताना है कि इस एक्ट का संबंध किससे है। तो इस एक्ट का संबंध है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। CCUS का मतलब है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। तो यह जो एक्ट है ये वास्तव में इसी से संबंधित है। ये भारत और अमेरिका के बीच हुई स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप SEP का एक पार्ट है, स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप का एक पार्ट है, और इसमें नए एरियाज ऑफ कोऑपरेशन की बात की गई थी, और इसके अंतर्गत क्लीन एनर्जी रिसर्च के लिए एक प्रोग्राम भी है जिसका नाम है प्रोग्राम फॉर एसिलरेटिंग क्लीन एनर्जी रिसर्च, यानी कि PACER, प्रोग्राम फॉर एसिलरेटिंग क्लीन एनर्जी रिसर्च,
यह इसका पार्ट है जो आपका स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप है इंडिया और यूएस के बीच में, ठीक है। चलिए अब तीसरे पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वह संबंधित है आपके काजीरंगा नेशनल पार्क से। तो काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में क्वेश्चन ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग काजीरंगा नेशनल पार्क। द काजीरंगा नेशनल पार्क होस्ट्स 90% ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट वन हॉर्न्ड राइनोसोरस। फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, काजीरंगा इज रिकॉग्नाइज्ड एंड एज एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल फॉर कंजर्वेशन ऑफ एविफॉनल स्पीसीज। एंड द थर्ड ऑप्शन इज इट इज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। ठीक है, आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ए एंड बी, यानी कि पहला और दूसरा। दूसरा ऑप्शन है ए एंड सी, तीसरा ऑप्शन है बी एंड सी, और चौथा ऑप्शन है डी, यानी कि ऑल। तो काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में इन तीन में से जो सही ऑप्शन है वो है आपका बी और सी, यानी कि ये ऑप्शन सही है और ये ऑप्शन सही है। यह इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया डिक्लेयर किया गया है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल फॉर कंजर्वेशन ऑफ एविफॉनल स्पीसीज के लिए, और सेकंड ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है यूनेस्को की। ठीक है, पहले स्टेटमेंट में गलत क्या है? पहले स्टेटमेंट में यहाँ पर जो आपने 90% देखा है इसकी जगह टू थर्ड होना चाहिए, यानी कि 75% होना चाहिए। ठीक है, 75% ऑफ वन हॉर्न राइनोसोरस पाए जाते हैं आपके काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, ये बेसिकली असम के गोलाघाट कार्बी अगलांग और नागाओं डिस्ट्रिक्ट के बीच में पाया जाता है। ठीक है, यह एक इम्पॉर्टेंट सेंचुरी है जहाँ पर टू थर्ड वर्ल्ड के वन हॉर्न राइनोसोरस पाए जाते हैं। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, ये लार्ज ब्रीडिंग पॉपुलेशन एलिफेंट्स की, वाइल्ड वाटर बफेलोज की और स्वैम्प डियर की यहाँ पर पाई जाती है, यानी कि एलिफेंट, वाइल्ड लाइफ बफेलो, वाइल्ड वाटर बफेलो और स्वैम्प डियर, इनकी लार्ज ब्रीडिंग पॉपुलेशन यहाँ पर पाई जाती हैं। इसके सिवा यह एज ऑफ ईस्टर्न हिमालय ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का एक पार्ट भी है, एक एज पे पाया जाता है पार्क। ठीक है, और इतना ही इसमें इम्पॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। और हाँ, न्यूज़ में इसलिए भी रहा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फ्लड्स आते हैं लगातार। इसका लगभग 1055 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो फ्लड प्रोन एरिया में आता है, जहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर और कार्बी अगलांग हिल्स के बीच में ये एरिया सैंडविच्ड है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बाढ़ की घटनाएं होती हैं। और चूंकि बाढ़ की समस्या अभी हुई है इसी वजह से ये न्यूज़ में रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स ऑब्लिक जर्नल्स वर ओन्ड एंड एडिटेड बाई लोकमान्य तिलक। ठीक है, तिलक की एनिवर्सरी थी अभी, तो उस वजह से बार बार ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो तिलक किन न्यूज़पेपर्स को या जर्नल्स को पब्लिश करते थे, कि उसके पब्लिशर और एडिटर थे, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस हैं केसरी, यंग इंडिया, मराठा, न्यू इंडिया, और ऑप्शंस हैं 1 & 3, 2 & 3, 1, 3 & 4 और 1, 3, 4। तो ध्यान रखिएगा, केसरी और मराठा ये दो न्यूज़पेपर्स या जर्नल्स ऐसे हैं जिनको लोकमान्य तिलक ने एडिट किया था, एडिटर थे इसके। बाकी जो दो हैं वो अलग अलग हैं। यंग इंडिया के लिए गांधी जी थे, और जो न्यू इंडिया न्यूज़पेपर था वह एमी बेसेंट पब्लिश करती थी। एनी बेसेंट ने इसमें गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसाइज किया था, और इसी पेपर के कारण उन्हें जेल भेजा गया था सेडिशन के चार्ज में। तो न्यू इंडिया तो आपको वैसे भी याद रखना है। और केसरी न्यूज़पेपर के बारे में जान लीजिएगा कि केसरी न्यूज़पेपर मराठी में पब्लिश होता था,
और मराठा जो था वो इंग्लिश में होता था। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड दूसरी जानकारियां हैं जो आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव जो है वो कह रहा है, ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। मिनिस्टर एट अ स्टेट लेवल कंटिन्यूज इन ऑफिस टिल ही इंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। पहला, कॉन्फिडेंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। दूसरा, इसका रीजन ये है, इस असर्शन रीजन क्वेश्चन में रीजन ये है, द चीफ मिनिस्टर कैन आस्क हिम टू रिजाइन और एडवाइज द गवर्नर टू डिसमिस हिम इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो इसका जो कथन है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, कथन है कि यह कि कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री के कॉन्फिडेंस तक यानी विश्वास तक ही अपने पद पर बना रह सकता है। कारण यह है कि मुख्यमंत्री उसे कभी भी त्यागपत्र देने के लिए अथवा राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने के लिए कह सकता है जब दोनों के मध्य विचारों की असहमति हो। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शंस हैं वो, पहला ऑप्शन ये है कि असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट हैं एंड द रीज़न इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि जो कारण है वो कथन को जस्टिफाई करता है। दूसरा ऑप्शन है कि दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन को सही एक्सप्लेन नहीं करता। तीसरा है, ए सही है और रीज़न फॉल्स है, रीज़न गलत है। चौथा, असर्शन गलत है लेकिन रीज़न सही है। तो देखिए, जब आप मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर आर्टिकल 164 जो है वो कहता है कि जो मिनिस्टर्स हैं वो इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबल हैं और वो होल्ड करेंगे देयर ऑफिस अप टू द प्लेजर ऑफ गवर्नर। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जब हम कहते हैं कि प्लेजर ऑफ गवर्नर, तो इसका तात्पर्य यह है कि गवर्नर किसी भी मिनिस्टर को कभी भी मंत्रालय से हटा सकता है, उसके पद से हटा सकता है। ये ध्यान रखिएगा कि गवर्नर अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकता, इसके लिए उसे चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर काम करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर हम देखें तो इनडायरेक्टली ही सही, चीफ मिनिस्टर वो पर्सन होता है जो डिसाइड करता है कि कोई भी व्यक्ति मंत्रालय में रहेगा अथवा नहीं रहेगा। तो अगर हम देखें तो कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन को सही तरीके से एक्सप्लेन भी करता है। तो इसका सही आंसर ए होना चाहिए। आर्टिकल 164 को देखेंगे तो ये इम्पोर्टेंट आपको समझ में आ जाएगा। न्यूज़ बेसिकली ये राजस्थान वाले न्यूज़ से है जहाँ पर अशोक गहलोत ने कुछ मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया था, तो वहाँ से इस क्वेश्चन को, पॉलिटी के क्वेश्चन को पुटअप किया गया है। ठीक है, आप इतना तो रेफरेंस में, आपने करेंट अगर वीक का पढ़ा है तो आपने इसको समझ लिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, वो कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज वॉज ऑफन रिफर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाई कॉलोनियल फोर्सेस, यानी कि ब्रिटिश शासन के व्यक्तियों के द्वारा किसे फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कई बार कहा गया है, बार बार कहा जाता रहा है। ऑप्शन है, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह एंड बीजी तिलक। ठीक है, तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कई लोगों ने कहा है, जिसमें से वैलेंटाइन शिरोल का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है क्योंकि ये गरम दल के नेता थे और बहुत ही वाइड स्प्रेड इनकी एक्सेप्टेबिलिटी थी, स्पेशली इन महाराष्ट्र रीजन, जो बॉम्बे प्रोविंस था उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत वाइड एक्सेप्टेबिलिटी थी। हालांकि ये पैन इंडिया लीडर भी थे लेकिन इनकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी उस एरिया में। आपको ये ध्यान रखना होगा कि पहला लेबर स्ट्राइक बीजी तिलक के रेफरेंस में ही हुआ था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण नेता थे गरम दल के, और इनका जो फेमस कोटेशन था वो था, स्वराज इज़ आवर माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, मतलब स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, इसलिए ये बहुत ही फेमस भी हुए। तो बस इतना ही इसमें, इस क्वेश्चन के आंसर में। बाकी रेफरेंस के लिए हम बाकी चीज़ें भी आपको जैसे ज़रूरत होगी बताते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन भी आपका संबंधित है राजस्थान के ही मामले से।
आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस और बीजेपी के नेता गए हैं अलग अलग मामलों में। कांग्रेस और राजेश पायलट ग्रुप के नेता गए हैं, गहलोत और राजेश पायलट ग्रुप के। तो उस संदर्भ में यह क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यह है, जो हाई कोर्ट का मामला है पूरा क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है। द कोर्ट्स कैन इंटरफेयर टू डिसाइड क्वेश्चंस ऑफ डिसक्वालिफिकेशन अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। पहला पॉइंट, न्यायालय दल बदल कानून के अंतर्गत जो अयोग्यता के प्रश्न हैं उनके निर्णय में हस्तक्षेप कर सकता है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, नो मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन हुम पावर्स आर वेस्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रेगुलेटिंग प्रोसीजर और द कंडक्ट ऑफ बिजनेस और फॉर मेंटेनिंग द ऑर्डर इन द लेजिस्लेचर शैल बी सब्जेक्ट टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सरसाइज बाय हिम ऑफ दोज पावर्स। देखिए, आसान भाषा में क्या, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है। बेसिकली ये आर्टिकल 212 से ली गई लैंग्वेज है। 212 का सेकेंड पार्ट बिल्कुल सेम लैंग्वेज में है। तो मोटे तौर पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे ये सारी बातें जो कही जा रही हैं यहाँ तक, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस की बात की जा रही है, यानी विधानसभा या विधान परिषद के अध्यक्ष के बारे में कहा जा रहा है। तो वहाँ पर कहा जा रहा है, शैल बी सब्जेक्ट टू ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सरसाइज बाय हिम दोज पावर्स। अगर सदन का अध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग करता है तो इस संदर्भ में न्यायालय का क्षेत्राधिकार संदर्भित होगा। ठीक है, तो अब आ रहा है क्वेश्चन कि पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, या पहला और दूसरा दोनों सही नहीं है। ठीक है, तो अब आप ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन में केवल सेकंड पार्ट जो है वो सही है, फर्स्ट पार्ट सही नहीं है। ठीक है, कोर्ट किसी भी स्टेज पर इंटरफेयर नहीं कर सकता है अगर एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रोसीजर चल रहा है। यह ध्यान रखिएगा, कोर्ट इंटरिम स्टेजेस ऑफ प्रोसीडिंग्स में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा जब वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत काम कर रहा हो। ये एक महत्वपूर्ण किहोतो केस का डिसीजन भी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ये एस्टैब्लिश किया था कि कोर्ट जो सदन के अध्यक्ष हैं उनकी प्रोसीडिंग में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत सुनवाई चल रही है। यही ग्राउंड बना करके कांग्रेस हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट गई है। ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ पर प्रश्न अलग है। इस मामले में प्रश्न यह है कि जो आप पार्टी की अलग से मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर विधानसभा की बैठक नहीं हुई है, यहाँ पर मुख्यमंत्री ने या विधानसभा के विधानमंडल दल के नेता ने या चीफ व्हिप ने कोई बैठक बुलाई है जो सदन से संबंधित नहीं है, अलग है। वहाँ पर अगर सदस्य नहीं आया है तो क्या वहाँ पर भी आप एंटी डिफेक्शन की कार्यवाही कर सकेंगे, प्रश्न यह है। ठीक है, कांग्रेस का वर्जन यह है कि यहाँ पर व्हिप का उल्लंघन हुआ है और अध्यक्ष चाहे तो कार्यवाही कर सकते हैं। पायलट ग्रुप का यह कहना है कि यह मामला जो है वो एंटी डिफेक्शन में नहीं आता क्योंकि हमने सदन के अंदर जारी की गई किसी भी व्हिप का उल्लंघन नहीं किया है और हमारे ऊपर जो प्रोसीडिंग अध्यक्ष चलाना चाह रहे हैं, जिसकी उन्होंने नोटिस दी है, वह एंटी डिफेक्शन के दायरे में नहीं आती है। आप ये पूरा मामला समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इसी मामले को लेकर के ये आपको एक प्रश्न मैंने देने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे जानना चाहता है कि ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी GEF किस तरह के प्रोजेक्ट्स को ग्रांट करती है। वो प्रोजेक्ट बायोडायवर्सिटी से होंगे, इंटरनेशनल वाटर्स से होंगे, लैंड डिग्रेडेशन से होंगे, क्लाइमेट चेंज एंड ओजोन लेयर से होंगे, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से होंगे। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो जो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी है
उसके बारे में जान लीजिएगा। यह ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी आपकी इस्टेब्लिश की गई थी 1992 में रियो अर्थ समिट में, रियो अर्थ समिट के अंतर्गत इसको स्थापना की गई थी, इसका गठन किया गया था। यह बहुत बड़ी मात्रा में ग्रांट देती है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और एनवायरमेंटल मैटर्स के मामले में, ठीक है। और यह अलग अलग तरह की परियोजनाओं को फंड करती है, जिसमें बायोडायवर्सिटी आएगी, क्लाइमेट चेंज आएगा, क्लाइमेट चेंज में मिटिगेशन और एडाप्टेशन दोनों आएगा, केमिकल्स आएगा, इंटरनेशनल वाटर्स आएगा, लैंड डिग्रेडेशन आएगा, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट आएगा, ओजोन लेयर डिप्लेशन आएगा, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर डी होगा, यानी कि सभी के लिए ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ग्रांट प्रोवाइड करती है। क्लियर है आपको? यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये रियो अर्थ समिट 1992 के अंतर्गत स्टैब्लिश की गई थी, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, और जिन जिन एरियाज़ में ये फंडिंग करती है उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि यह जो एक्ट है ये 20 जुलाई 2020 से ऑपरेशनल है, ठीक है, 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ है। ये आपके लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो याद रखना है। तो पहला पॉइंट पर आते हैं, अंडर दिस एक्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैव टू एक्नॉलेज द रिसीप्ट्स ऑफ एनी कंज्यूमर कंप्लेंट विद इन 48 आवर्स एंड रिड्रेस द कंप्लेंट विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट, ठीक है। मतलब अगर किसी ने कंप्लेन करी है तो उस कंप्लेन के 24 घंटे के अंदर आपको वो कंप्लेन की रिसिप्ट जारी करनी होगी, प्लस आपको एक महीने जिस डेट में आपने रिसिप्ट करी उसके एक महीने के अंदर वो समस्या आपको सॉल्व करनी होगी। सेकंड, इट प्रोहिबिट्स द ई कॉमर्स कंपनीज फ्रॉम मैनिपुलेटिंग द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू गेन अनरीजनेबल प्रॉफिट थ्रू अनजस्टिफाइड प्राइसेस, ठीक है। मतलब जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं वो कीमतों में जो मैनिपुलेशन करके अनावश्यक प्रॉफिट गेन करती हैं वह वे नहीं कर सकेंगी, इससे उनको प्रतिबंधित किया जाएगा, ठीक है। आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों या दोनों नहीं, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है वो क्लियर करता है, बेसिकली ये इसके बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को लेकर के, जिसकी बहुत डिमांड भी हो रही थी। तो इसके लिए ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। पहली बात यह है कि आपको एक महीने के अंदर उसे सॉल्व करना होगा, 48 आवर्स के अंतर्गत रिजॉल्व करना होगा, और किसी भी प्रकार का प्राइस मैनिपुलेशन करके आप जो अननेसेसरी प्रॉफिट गेन करते हैं, अनजस्टिफाइड प्रॉफिट गेन करते हैं, वो करने का आपको अधिकार नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ठीक है। बाकी इस एक्ट को और भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस एक्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका मनोदर्पण इनिशिएटिव को लेकर के है। मनोदर्पण इनिशिएटिव क्या है, इसके बाद इस रेफरेंस में आपको निम्न कथनों पर विचार करना है। इट इज टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स फॉर देयर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, पहली चीज। दूसरी चीज, कैपेसिटी, इट इज अ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग। थर्ड, इट्स टारगेटेड टू ब्रिंगिंग टुगेदर सीनियर ऑफिसर फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द US एडमिनिस्ट्रेशन हु आर सेटिंग द पोस्ट पैंडमिक रिकवरी एजेंडा। फोर्थ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSMEs। तो अगर आप देखें तो बेसिकली मनोदर्पण जिसका संबंध पॉइंट नंबर ए से है, यह मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD मिनिस्ट्री ने जारी किया है। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर
भारत अभियान के अंतर्गत साइकोलॉजिकल सपोर्ट बच्चों को देने के लिए है, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ और वेलबींग बनी रहे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि यह HRD मिनिस्ट्री ने जारी किया है और आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक कॉम्पोनेंट है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ब्लैक रॉक विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद, ठीक है, ब्लैक रॉक अभी हाल फिलहाल में बहुत न्यूज़ में था, इसका संबंध किस चीज़ से है? तो ब्लैक रॉक का संबंध रैंसमवेयर से है, रेडियो कार्बन डेटिंग से है, मालवेयर से है, या नेटवर्क प्रोटेक्शन ऐप से है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ब्लैक रॉक जो है वो एक मालवेयर है। ठीक है, एक सिक्योरिटी फर्म है थ्रेट फैब्रिक ने एक नए मालवेयर ब्लैक रॉक के बारे में लोगों को अनाउंस किया था, जानकारी दी थी कि ये बड़ा खतरा बन के उभरा है। ठीक है, ये आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को हैक कर सकता है, जैसे पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और लगभग यह 377 स्मार्टफोन ऐप्स के माध्यम से आपके फ़ोन की जानकारियों को हैक कर सकता है, जिसमें अमेज़ॉन, फेसबुक, जीमेल, टिंडर जैसे ऐप भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो जो भी एंड्रॉयड के पॉपुलर ऐप्स हैं उनके थ्रू ब्लैक रॉक मालवेयर आपके सिस्टम पर अटैक कर सकता है। यह थी आपके लिए न्यूज़, इसी से रिलेटेड था यह क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मैच करने का क्वेश्चन है, आपको मैच करना है स्पेस मिशंस को और ऑर्गेनाइजेशंस को। ठीक है, पहला और ओसिरिस REX है, दूसरा डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट है, तीसरा हेरा है। ठीक है, आपको बताना है कि ये किससे संबंधित हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन के हैं। पहला नासा, दूसरा ESA, तीसरा रॉस्कोसमोस। ठीक है, तो OSIRIS जो है वो नासा का एस्ट्रॉयड स्टडी और सैम्पल रिटर्न मिशन है, तो यह वाला सही है आपका। ठीक है, एस्ट्रॉयड स्टडी एंड सैम्पल रिटर्न मिशन है। ठीक है, यह वास्तव में एस्ट्रॉयड से सैम्पल्स को कलेक्ट करने के लिए भेजा गया मिशन है। जो हेरा है वह आपका यूरोप की स्पेस एजेंसी का मिशन है। ठीक है, वास्तव में हेरा जो है वो ग्रीक गॉडेस हैं, उनके नाम पर ये नाम रखा गया है। नासा ने इसके लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसके लिए मिशन जारी किया है। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर जो होगा वो केवल ए सही होगा। ठीक है, तो ये वाला जो मिशन है, जो हेरा है, वो आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी का से रिलेटेड है, और जो डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट है ये भी नासा से रिलेटेड है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए अगर आप सही आंसर्स अपने मन में दिमाग में रखना चाहते हैं तो ये दोनों नासा से रिलेटेड हैं और ये वाला यूरोपियन स्पेस एजेंसी से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 मैचिंग टाइप है, आपको प्रोटेक्टेड एरियाज़ इन न्यूज़ और एसोसिएटेड स्टेट्स में मैच करना है। प्रोटेक्टेड एरियाज़ इन न्यूज़ में देखिएगा, पहला है डिब्रू साइखोवा जो है वो असम से रिलेटेड है, असम में है, तो ये तो सही है। दूसरा केवलादेव नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, राजस्थान में है। और भागीरथी इको सेंसिटिव जोन उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ये सही है, यानी कि इसका सही आंसर होगा 1 और 3, यानी कि सी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट्स। आपको बताना है ये तीन स्टेटमेंट किस लेक से संबंधित हैं, किस झील से संबंधित हैं। ठीक है, उस झील के बारे में आपको बताना है। वास्तव में झील बहुत न्यूज़ में रही थी। पहला पॉइंट है, ओनली नोन मेटराइट क्रेटर इन बेसाल्टिक रॉक एंड वर्ल्ड फेमस। ठीक है, दूसरा, इट वॉज क्रिएटेड बाई अ मीटियोर इम्पैक्ट ड्यूरिंग द प्लेस्टोसीन इपोक। थर्ड है, इट वॉज नोटिफाइड एज अ नेशनल जियो हेरिटेज मोन्यूमेंट इन 1979। ठीक है, आपको बताना है ये तीन स्टेटमेंट किस लेक को लेकर के हैं। तो सही आंसर है इसका लोनार लेक, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है। लोनार लेक करीब 56,000 ईयर ओल्ड लोनार क्रेटर सेंचुरी लेक है, बेसिकली जो महाराष्ट्र के बुलढाणा ज़िले में है। और न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसका जो वाटर है वो रेड या पिंक भी कह सकते हैं हो गया था, झील का पानी लाल हो गया था, जिसको लेकर के बहुत न्यूज़ आई थी। इसका बेसिक कारण सैलिनिटी और एल्गी का प्रेजेंस होना उस वाटर बॉडी में, या उसका बढ़ जाना अचानक से था मोटे तौर पर। ठीक है, तो ये वास्तव में एक मीटियोर इम्पैक्ट से एसोसिएटेड लेक है, इसलिए ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा भी रही और इसका पानी लाल हुआ था, इस वजह से न्यूज़ में रही, इसलिए ही इसको लेकर के जानना आपको ज़रूरी था। ये भी ध्यान रखिएगा, इट इज़ द ओनली नोन हाइपर वेलोसिटी मेटराइट क्रैटर इन बेसाल्टिक रॉक एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये दुनिया में कहीं भी बेसाल्टिक रॉक में एकमात्र लोगों की जानकारी में उपलब्ध हाइपर वेलोसिटी मेटराइट क्रेटर है। ठीक है, नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट ने 1979 जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट इसको घोषित किया था 1979 में। तो ये ध्यान रखिएगा, GSI वह संस्था है जो इसे मान्यता देती है जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट का। ठीक है, इसी तरीके की दो और साइट्स हैं, एक है ढाला, DHALA ढाला, और दूसरी है रामगढ़। ठीक है, ढाला MP में है और रामगढ़ राजस्थान में है। ठीक है, ये भी सेम प्रकार की लेक्स हैं, लेकिन इनके बारे में न्यूज़ कम रहती हैं, लेकिन आपको बस पता होना चाहिए क्योंकि ऐसी ही घटना हुई है, तो इसको लेकर के एसोसिएटेड प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं, तो ये दो बातें भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस पे, GSP पर। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस को लेकर के न्यूज़ पिछले दो हफ्तों से ही रही है, इसलिए इसको इसके बारे में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आपको पता भी होना चाहिए। पहला है, इट इज़ अ प्रेफरेंशियल टैरिफ एग्रीमेंट एक्सटेंडेड बाई डेवलप्ड कंट्रीज टू द डेवलपिंग कंट्रीज, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, इट इन्वॉल्व्स रिड्यूस्ड और जीरो टैरिफ्स इन ऑल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेड बाई द बेनिफिशरी कंट्रीज टू द मार्केट्स ऑफ GSP प्रोवाइडिंग कंट्रीज, ओके। देन द थर्ड वन इज withdrawal of the GSP benefit adversely impact exports from India by making it less competitive। ठीक है, GSP से भारत को बाहर कर दिया गया है US के द्वारा, इसी वजह से ये न्यूज़ में रहा, इसलिए आपको GSP के बारे में पता होना चाहिए। तो पहली चीज़ ये है कि ये एक प्रेफरेंशियल टैरिफ एग्रीमेंट है जो कि डेवलप्ड कंट्रीज देती हैं डेवलपिंग कंट्रीज को। ठीक है, इसमें जो कर हैं विकासशील देशों के प्रोडक्ट्स पर, वो विकसित देशों द्वारा कम लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट तो सही है। ठीक है, दूसरा, इट इज़ अ प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट इन द सेंस दैट इट अलाउज कंसेशनल लो जीरो टैरिफ इंपोर्ट फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज,
ध्यान रखिएगा, जैसे यूएस है, ईयू है, यूनाइटेड किंगडम है, जापान है, ये जीएसपी के बेनिफिट्स देते हैं किसको? डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ठीक है। तो गरीब देशों को, विकासशील देशों को ये मौका दिया जाता है कि वे अपने सस्ते रेट पर अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकें, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि इट इन्वॉल्व्स द रिड्यूस्ड और ज़ीरो टैरिफ्स इन ऑल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेड बाय, देखिए ऑल प्रोडक्ट्स पर नहीं होगा, वो जिन प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग होगी उन प्रोडक्ट्स पर होगा, सारे प्रोडक्ट्स पर वो आपको ज़ीरो टैरिफ या मिनिमाइज टैरिफ नहीं देंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि विड्रॉल ऑफ जीएसपी बेनिफिट एडवर्सली अफेक्ट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया बाय मेकिंग इट लेस कॉम्पिटिटिव। नहीं, देखिए यहाँ पर इसको लेस कॉम्पिटिटिव नहीं लिखा होता अगर, तो ये स्टेटमेंट सही होता कि हाँ हमारे एक्सपोर्ट्स थोड़े से महंगे हो जाएंगे, लेकिन ये अब कॉम्पिटिटिव ज़्यादा होंगे, इनके लिए कॉम्पिटिटिव मार्केट में बेनिफिट किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि ये सही है कि जीएसपी बेनिफिट्स नहीं देने से इंडिया के एक्सपोर्ट एडवर्सली इफेक्ट होंगे ही होंगे, ठीक है, लेकिन इंडियन प्रोडक्ट्स को लेस कॉम्पिटिटिव ये बनाएगा, ये कहना सही नहीं है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर होगा ए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो न्यूज़ में पोर्ट रहे और उनसे एसोसिएटेड कंट्रीज़ के बारे में है। पहला क्यूक्यू पोर्ट है, दूसरा ग्वादर पोर्ट है, तीसरा हम्बन टोटा पोर्ट है, ठीक है। तो देख लीजिए इसे, क्यूक्यू पोर्ट जो है वो आपका है म्यांमार में, ठीक है, क्यूक्यू पोर्ट आपका है म्यांमार में, और जो ग्वादर पोर्ट है वो है आपका पाकिस्तान में, और हम्बन टोटा पोर्ट श्रीलंका में है। तो पहला तो बस इसको म्यांमार कर दीजिए तो ये सही हो जाएगा। तो पहला सही नहीं है, दूसरा और तीसरा सही है, तो इसलिए इसका आंसर तो बी होगा। ये न्यूज़ में क्यों है? ये क्योंकि ये सारे वो पोर्ट्स हैं जिसमें चाइना अपने इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा रहा है, चाइना अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा रहा है। लगभग जैसे हम क्यूक्यू पोर्ट की बात करें तो यहाँ पर 70% स्टेक है चाइना का, ठीक है। ग्वादर तो आप जान ही रहे हैं, ग्वादर पाकिस्तान में है, गल्फ ऑफ ओमान के सामने खुलता है, ठीक है। इसी तरीके से जो हम्बन टोटा पोर्ट है वहाँ पर चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो बेसिकली जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी है चाइना की, उसके अंतर्गत चाइना इंडिया के चारों तरफ के पोर्ट्स पर हैवी इन्वेस्टमेंट करके उसे अपने इन्फ्लुएंस में ला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर, नहीं 17 पर, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 कूर्मा से रिलेटेड है, कूर्मा, हिंदी में इसको कूर्म कहेंगे। कूर्म जो है वह उसको लेकर के निम्न पर ध्यान देना है, आपको बताना है कि ये क्या है। ये एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है कूर्म, जो कि टर्टल कंजर्वेशन से रिलेटेड है, हाल ही में लॉन्च किया गया है। टर्टल सर्वाइवल अलायंस इज़ एन एक्शन ओरिएंटेड ग्लोबल पार्टनरशिप वर्किंग इन टर्टल डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो आपके लिए ये दो टॉप पॉइंट्स हैं, पहला कि मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन कूर्म लॉन्च किया गया है जो टर्टल कंजर्वेशन से रिलेटेड है। तो पहला पॉइंट सही है, टर्टल सर्वाइवल अलायंस जो है वो एक ग्लोबल पार्टनरशिप है जो टर्टल डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के लिए काम करता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं, कूर्म मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था वर्ल्ड टर्टल डे पर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो कूर्म एप्लीकेशन है उसको डेवलप किया था इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क ITCAN ने, इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क ने इसको डेवलप किया है कूर्म ऐप को, ठीक है।
बेसिकली ये टर्टल बेस्ड सारी इन्फॉर्मेशंस को प्रोवाइड करता है अलग अलग ऑफिसर्स को, अलग अलग ऑफिसर्स को और अलग अलग इन्फॉर्मेशन सेंटर्स को। ठीक है, बस इतना आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो आपको बता रहा है, सॉरी पूछ रहा है कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग एंटिटीज़ कम्स अंडर रेगुलेशन ऑफ सेबी, यानी कि सेबी के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं आती हैं। पहला है इन्वेस्टमेंट बैंक्स, दूसरा है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, तीसरा है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन है जिनका रेगुलेशन सेबी करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 4, यानी कि डी, 1, 2, 3, 4, इन चारों का करता है। सेबी वास्तव में रेगुलेटिंग बॉडी है, किसका? इन्वेस्टमेंट बैंक्स का, कैपिटल मार्केट्स का, स्टॉक ब्रोकर्स का, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स का, स्टॉक एक्सचेंजेस का, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स का, कमोडिटी फ्यूचर कमोडिटी ऑप्शंस का, इन सब का रेगुलेटिंग बॉडी है सेबी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है आपसे नेपाल के बारे में। नेपाल बहुत न्यूज़ में रहा पिछले वीक में, आपने देखा होगा नेपाल के प्रधानमंत्री के कुछ विवादास्पद बयान भी रहे, नेपाल की भारत से लगातार द्वंद्व की स्थिति भी है, तो इसलिए नेपाल के बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो नेपाल के बारे में क्वेश्चन ये बना है कि नेपाल शेयर्स इट्स इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया, चाइना एंड बांग्लादेश। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, नेपाल शेयर्स बाउंड्रीज विद 5 इंडियन स्टेट्स। तीसरा है, उत्तर प्रदेश शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री विद नेपाल एमंग द इंडियन स्टेट्स। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि नेपाल जो है वह एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। आपसे पीसीएस में और आईएएस में बहुत पूछा जाता है लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ के बारे में कि कौन कौन सी लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ किस एरियाज़ में है, इसलिए बहुत ध्यान से लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ की लिस्ट भी अपने पास रखिएगा। तो नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जो जिसके नॉर्थ में चाइना है, साउथ में इंडिया है, साउथ ईस्ट और वेस्ट में, साउथ और ईस्ट में इंडिया है और वेस्ट में भी कुछ पार्ट में इंडिया है और कुछ पार्ट में बांग्लादेश। ठीक है, तो तीनों स्टेट से यह मिलती है इसकी बाउंड्री। भूटान और नेपाल के बीच में एक छोटी सी स्ट्रिप आती है उसकी, सिक्किम की। ठीक है, तो सिक्किम से अलग हो जाता है, सिक्किम के कारण भूटान अलग हो जाता है, इसलिए सिर्फ भूटान की बाउंड्री नहीं मिलती है नेपाल से। ठीक है, अब दूसरा जो है पॉइंट कि नेपाल शेयर्स बाउंड्रीज विथ 5 इंडियन स्टेट्स। तो नेपाल बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और सिक्किम से नेपाल की बाउंड्री मिलती है। तो इन 5 स्टेट से नेपाल की बाउंड्री मिलती है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट यह है कि उत्तर प्रदेश लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री रखता है नेपाल से, तो ये सही नहीं है। बिहार लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री रखता है नेपाल से, तो 1 और 2 सही है, तो इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बराक रिवर के बारे में आपको कंसीडर करना है निम्न फैक्ट्स को। तो बराक रिवर के बारे में बताइएगा, पहला, बराक रिवर फ्लोस थ्रू द स्टेट ऑफ मणिपुर, मिजोरम एंड असम। बराक रिवर मणिपुर, मिजोरम और असम से बहती है।
पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, बराक रिवर ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल आफ्टर फ्लोइंग थ्रू बांग्लादेश। थर्ड, तिपाईमुख डैम इज प्रपोज्ड एम्बार्कमेंट डैम ऑन बराक रिवर। ठीक है, तो बराक रिवर के बारे में तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है इन तीनों में से कौन से सही हैं। तो सबसे पहले बराक रिवर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। बराक रिवर जो है 900 किलोमीटर लॉन्ग रिवर है, जो इंडियन स्टेट मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम से होकर बहती है। तो इसमें मणिपुर के साथ नागालैंड भी होना चाहिए। ठीक है, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम से होकर बहती है, पहला पॉइंट। ठीक है, और इसके बाद बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो सेकंड पॉइंट सही हो गया है। ठीक है, इसका जो नेविगेबल पार्ट है बराक रिवर का, वो लगभग उसमें लगभग जो है 121 किलोमीटर स्ट्रेच में लाखीपुर बग्घा स्ट्रेच पड़ता है, जिसको नेशनल हाईवे 6 डिक्लेयर किया गया है 2016 में। तो नेशनल वाटरवे 6 जो है वो बराक रिवर पर है, ये लखीपुर भंगा स्ट्रेच पर 121 किलोमीटर्स का है। ठीक है, तिपाईमुख डैम जो है वो वास्तव में प्रपोज्ड एम्बार्कमेंट डैम है बराक रिवर पर। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो आपका स्टेटमेंट जो है पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2 एंड 3। ध्यान रखिएगा, अब इसमें पहले स्टेटमेंट पे आपको डाउट हो सकता है कि फ्लोज थ्रू स्टेट्स ऑफ मणिपुर, मिजोरम एंड असम एंड नागालैंड भी होना चाहिए। ठीक है, दूसरा बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती है, इस पर तो डाउट होगा नहीं। तीसरा, इस पर तिपाईमुख डैम बन रहा है, इस पर भी डाउट होगा नहीं। ठीक है, तो इसमें हम करेक्ट डी को रखते हैं, 1, 2 एंड 3 को रखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर होता बराक रिवर फ्लोज ओनली थ्रू द स्टेट्स ऑफ मणिपुर, मिजोरम एंड असम, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से इस वीक के ये 20 क्वेश्चंस हैं जिनको हमने चर्चा करी। अगले वीक में फिर हम मिलेंगे आपको, और इस वीक के यानी कि फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, या आज संडे भी इंक्लूड करेंगे, इस संडे से लेकर नेक्स्ट सैटरडे तक के करंट अफेयर्स का एक MCQ टाइप जो आपको वीडियो देंगे, जिससे आपको पूरे करंट अफेयर्स की रिवीजन में मदद मिलेगी, जो आपने डेली बेसिस पर अपना तैयार किया होगा। धन्यवाद। कोई भी प्रश्न होता है या कोई भी आपको डाउट है जिसका आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर इसको आप जैसे भी चाहें वैसे हमें सूचित कर सकते हैं।